देखिए, मैं फोर्थ फेज की बात कर रहा हूँ कि फोर्थ फेज में सपोज लिमिट एक्सटेंस टू ए दी वी हो, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स दिया हुआ हो, तो अभी तक हम इन फॉर्म्स को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर दिया होता है लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू ई एज वेल एज लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट अगर कर देता है, तो उस केस में यहाँ पे वेरिएबल को रेसिप्रोकेट कर देगा टू द पावर एक्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ई, राइट। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस जगह एक्स ही हो, इस जगह दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, इस जगह टेन एक्स हो सकता है, टेन एक्स होगा तो 1/10x, यानी कि यहाँ पे फिर कॉट एक्स होगा क्योंकि टेन 0 पे 0 बनाता है, राइट, टेन 0 पे 0 बनाता है, तो एट दैट टाइम वी कैन राइट द इक्वल्स टू ई। तो देखिए, बेसिक फॉर्मूलेज ये वाले चल रहे हैं जिन पे हमने वर्कआउट कर लिया है और उनको हम अब समझते हैं कि किस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं। मैं एक और नई सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि इफ लिमिट इस वाले फॉर्मेट में जब एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन होता है, सो दिस इज द एडवांस्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, तो उसके हमें सारी कंडीशंस को समझना है कि कैसे उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। सो देखिए, इसमें लिमिट में इस वाले बेस फंक्शन में क्या होता है, दिस वैल्यू इज लेट सपोज लिमिट ऑफ द बेस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस नेक्स्ट लिमिट एक्सपोनेंशियल पार्ट में जो फंक्शन है जी एक्स का, और इसकी कोई वैल्यू फाइनाइट नंबर आता है, फाइनाइट नंबर हो एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1, राइट, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। अगर क्योंकि 1 लेता है तो फिर 1 टू द पावर 1 भी ले सकता है, वो इसको भी हम हटा देते हैं, 1 लेगा तो आंसर पूरे का 1 आ जाएगा, राइट। नाउ सपोज दिस बेस फंक्शन टेक्स द 0 वैल्यू, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू, एंड व्हाट अबाउट द दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नाउ इट इज टेकिंग सम फाइनाइट वैल्यू, देन तब देखिए लिमिट का क्या होता है, लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स बिकम्स सेम एज द, यू हैव टू टेक द लिमिट हियर, तो उसकी डायरेक्ट लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स लिखेंगे और इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पावर ए जी एक्स लिखेंगे, दैट यू हैव टू राइट एज इट इज बिकॉज दिस इज गिविंग द फाइनाइट वैल्यू एंड इट इज गिविंग सम फाइनाइट वैल्यू, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव ऑनली, राइट, और ये पूरा फाइनाइट दे रहा है, तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म नहीं ले रहा है, ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं, ये वो नहीं फॉर्म ले रहा है, तो हम फिर आंसर भी वैसा का वैसे लिख देंगे, दोनों बेस फंक्शन का लिमिट आप ले लीजिए और एक्सपोनेंट में जो फंक्शन है उसकी भी एज इट इज लिमिट इसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज आ जाती है। अब इसके बाद में एक और सिचुएशन ले लेते हैं। देखिए, इसके बाद में फिफ्थ केस होगा हमारा वो, और उस केस के बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में उतर सकते हैं बहुत आसानी से, हम सारी बात समझ चुके होंगे। जिस मैं फिफ्थ फेज की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूलेज में भी हमने 1 बाय 1 सारी इतने लेवल पे उनको फॉर्मूलेज को समझा है, तो ये जरूरी है कि मान लीजिए लिमिट दिया हुआ हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स हो, राइट, नाउ इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1, अब ये बेस वाली लिमिट जो है 1 बन रही है ना, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एंड दिस जी एक्स ये लिमिट इनफाइनाइट जा रही है, सो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म क्रिएटेड, राइट, दिस फॉर्म इज क्रिएटेड हियर। अब ये जो अगर फॉर्म बनेगी तो हम इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले में हम क्या करते थे कि यहाँ जो भी फंक्शन होता था उसका रेसिप्रोकल हमें यहाँ चाहिए होता था और यहाँ ये 1 बना रहा होता है, ठीक है ना, एफ एक्स, एक मिनट, अगर एफ एक्स की कंडीशन एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे है, ये 1 ले रहा है, दूसरा जी एक्स ले रहा है, तो
वन टू द पावर इनफाइनिट है, ठीक है, इट इज प्रॉपर, सो वी कैन डू वन थिंग, दिस इज टेकिंग वन। और यहां पे इस जगह पे हमारी ये जो वैल्यू थी ये जीरो ले रही थी, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो वन प्लस यहां जीरो बनना चाहिए था। तो ये वाली सिचुएशन बनाने के लिए इसमें एक वर्कआउट किया था, उसी फॉर्मूले की बात करें, दैट इज द लास्ट फॉर्मूला वी हैव टू क्रिएट एंड टू अंडरस्टैंड टू यूज इन टू द क्वेश्चन, वो जरूरी है उसको समझना। देखिए इस पर हम एक काम करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लिखेंगे, इसको आप लिख लेंगे वन प्लस एफ एक्स माइनस वन। अब देखिए इसमें क्या पोजिशन बन गई, अगर ऐसा लिख दिया मैंने तो बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे फंक्शन की है वन थी, तो वन माइनस वन तो यहाँ पे जीरो बनेगा, यहाँ देखिए जीरो बन रहा था, एक्स टेंड्स टू जीरो पे ये जीरो बन रहा था, तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए था वो ई बनाता है, इसका रेसिप्रोकल चाहिए होता है वो ई बनाता है, तो हम एक काम करेंगे इसका रेसिप्रोकल इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसको मैं वापस लिखूं, वी रिक्वायर द लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन प्लस एफ एक्स माइनस वन लिखेंगे, राइट, एंड वी विल राइट लाइक दिस, ये जो वैल्यू रखी है हमने इसकी, ये अब देखिए जीरो बना रही है, एफ एक्स बना रहा है वन ए पे, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ प्रोवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वन, तो ये लिमिट वन होगी। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी देखिए जी एक्स तो था ही सही, यहाँ पे जी एक्स था, और इसको अब हम यहाँ लिखने वाले हैं, दिस इज एफ एक्स माइनस वन, इट इज क्लियर दैट ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा नंबर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा और वापस प्रीवियस पोजीशन इसमें मिलती है, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए इसको हम किससे कंपेयर करा रहे हैं, इसको हम इस वाली सिचुएशन से कंपेयर करा रहे हैं जिसमें यहाँ कोई भी x हो या कोई भी दूसरा फंक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल होने पर उसकी लिमिट हम e लिखते हैं, ठीक है, तो सेम पोजीशन है। अब हम जब इसकी लिमिट लिखेंगे तो इस पोर्शन की पूरी जो मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लिखा है इसकी लिमिट हम क्या लिख देंगे, इसको e लिखेंगे। तो यहाँ पे बेस फंक्शन है, इसमें देखिए ये पोजीशन वापस वही बना रहा है, दिस इज वन और ये जीरो बना रहा है, जीरो बना रहा है, तो ये जीरो बना रहा है तो उसका जीरो का रेसिप्रोकल है तो इनफाइनाइट बना रहा है, सो दिस इट इज मेकिंग द वन टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। सो द बेस में पूरा फंक्शन है, इसकी लिमिट हो जाएगी e, ठीक है, e हो जाएगी, और पावर में जो फंक्शन है उस पर लिमिट लगा के लिख देंगे। तो देखिए इसको हम कैसा लिखेंगे, दैट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू आप लिखते हैं, एक बार और लिखना होगा मुझे, सो यहाँ लिमिट लगाएंगे इसकी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, राइट, इसको मैंने बेस में जो फंक्शन लिया है उसको लिख लिया, एफ एक्स माइनस वन लिख दिया, राइट, इस पर मैं अभी छोटा ब्रैकेट लगा देता हूँ, दिस इज कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन, इसको हमने इसको पैक कर दिया, इस पर लिमिट हो गई अंदर, एक मिनट यही करना था मुझे, फिर मिस्टेक हो जाएगा, सो दिस इज ये चीज को अंदर लिमिट ले लिया, जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर है इसको लिमिट ले लिया, और इसमें जो पावर में फंक्शन है, पावर में जो फंक्शन है उसकी भी लिमिट ले लेंगे, उसकी लिमिट ये आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड दिस इज जी एक्स इन टू दैट इज द एफ एक्स माइनस वन, दिस इज एफ एक्स माइनस वन, राइट। अच्छा इस पूरे पोर्शन की लिमिट हम समझ सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ई, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर लिमिट, नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड दिस इज जी एक्स, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज क्रिएटेड, इफ इट इज गिविंग वन एंड जी एक्स इज गिविंग द इनफाइनिट, वन टू द पावर इनफाइनिट क्रिएटेड, सो दिस फॉर्म इज क्रिएटेड, तो उसको हमने रीसेट किया है, इसको आप समझ लीजिए कैसे रीसेट किया, यहाँ पे इसको मुझे वन बनाना था, तो यहाँ देखिए इस फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो यहाँ जीरो बनाना था और यहाँ वन अलग होता है, उसका रेसिप्रोकल चाहिए होता है,
उसके पोर्शन की पूरी लिमिट ई आएगी, इस पोर्शन की पूरी लिमिट आएगी ई, और लिमिट पावर में भी लग जाएगी। तो जी एक्स था ही ऑलरेडी यहाँ पे, काउंटर बैलेंस करने के लिए ये नंबर हमने यहाँ पे डाला एफ एक्स माइनस वन, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में रखा या न्यूमिनेटर में रखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस पुरानी पोजिशन पे आ जाएंगे, और ये वन प्लस एफ एक्स माइनस वन करेंगे तो वापस एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इतना चेंजेस किया गया है, इसको इस फॉर्म से इस वैल्यू को ई लिखने के लिए किया गया, बस यही पॉइंट समझना है इसमें, ठीक है ना। सो दिस इज ई, इसकी लिमिट ई होती थी हम जानते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन का भी लिमिट बैलेंस्ड है, वो लिमिट जो है एज पर फंक्शन जैसा गिवन होगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूले को मैं वापस एक बार वापस लिखता हूँ कि ये जो फॉर्म लेता है एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स जी एक्स और ये वन हो और जी एक्स इन्फाइनेट हो, तो ये फॉर्म क्रिएट होगी, और ये इसका प्रूफ है। प्रूफ हम हटा देते हैं, प्रूफ हम हटाएं और ये देखें कि इस कंडीशन में फॉर्मूला अब हमें क्या लिखना है। दिस वॉज द प्रूफ, राइट। कम टू द फॉर्मूला नाउ। इफ दिस इज द सेम कंडीशन लाइक दिस, राइट, देन आप ऐसा लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, अगर कभी दिया हो तो बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। दिस फॉर्मूला इज सो इम्पॉर्टेंट, टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द जेई स्टूडेंट, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और इससे पीछे की जितनी सिचुएशन मैंने समझाई है, कोशिश किया है पूरा वन बाय वन सारे स्टेप्स, फॉर्मूलेज को भी, फॉर्मूलेज भी अलग अलग फॉर्मेट ले रहे हैं, अलग अलग शेप ले रहे हैं, तो उस केस में कैसे उसके हम सॉल्व आउट करते हैं उन चीज़ों को, वो सारी मैंने बताई हैं। वो मैंने 5 डिफरेंट केसेस में पूरे फॉर्मूले को ही इधर उधर जगल किया है, क्लीन किया है, कि मतलब आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दैट शुड बी क्लियर, राइट। सो इफ इट इज़ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ये वन ले चुका है, इन्फाइनेट ले चुका, आप इसको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, ये एज ए फॉर्मूला बुक्स में लिखा भी होता है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं दिया होता है। ये हमने इसका एक प्रूफ क्रिएट किया था, वो आप देख रहे हैं कि हमने इसको पूरा प्रूफ क्रिएट किया है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे अगर हम अगर देखें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टोटल निकालें, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में से 30 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जो सिंगल इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, इस फॉर्मूले से उसको क्लियर करते होंगे। अच्छी कोई भी बुक होगी, इफ़ यू सेलेक्ट द 100 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ 100 20 to 30 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला, क्योंकि डेफिनेटली वो ये फॉर्म ले रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट ले लेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सब